विधवा महिलाओं के सम्मान में किया जाएगा। काम करके दिखाओ आप लोग। श्री सुरेश गुजर हो गया तुम। प्रश्न संख्या 252। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी का जवाब मेरे पास उत्तर आ गया। चलो राजा पूरक प्रश्न। मंत्री जी से मेरा पूरक प्रश्न है कि आपने जवाब में बताया कि मेरी विधानसभा के दोनों उपखंड खानपुर बकानी में कुल 13,636 अपीलें प्राप्त हुई है, जिसमें से 3,084 अपीलें स्वीकार की हैं और 84 अपीलें अस्वीकार की हैं। दोनों उपखंड की बची हुई 10,668 अपीलों का वर्तमान में क्या स्टेटस है? ये लोग सालों से खाद्य सुरक्षा के नाम पर नाम जुड़ाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सरकार इन नामों को कब तक शामिल करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की जो सीलिंग सीमा तय कर रखी है, जिसके कारण टारगेट पूरे होने पर पोर्टल खुलना बंद हो जाता है, आपकी डबल इंजन की सरकार क्या केंद्र से सीलिंग सीमा बढ़ाने के लिए कोई प्रयास कर रही है? माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं कानपुर से आने वाले सदस्य माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने बताया कि लंबित है जिनके खाद्य सुरक्षा में जिनका नहीं जोड़ा गया है, तो इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत प्रावधान है। हर राज्य की सीलिंग है, 4,46,00,000 राजस्थान की सीलिंग है, जिसमें 4,36,00,000 पहले थे और 1,67,000 जो विशेष योग्य जन है उनको हमारी सरकार ने गत सप्ताह जोड़ दिया है, और अब जो 8,00,000 है उनकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो 4,46,00,000 के अगले 2 माह में पूरा हम पूरा कर देंगे। बाकी जो लंबित 13,90,000 आवेदन जो हमारे पास लंबित हैं पूरे राजस्थान के, उसमें 8,00,000 इसमें और हो जाएंगे, तो 5,95,000 के आसपास लंबित रहेंगे। पर ये आपका दूसरा प्रश्न कि इसमें सरकार क्या कर रही है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने सरकार बनते ही 29 दिसंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर कि इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सीलिंग सीमा बढ़ाने का निवेदन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है माननीय शांतिलाल जी धारीवाल।